हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही बड़ा टॉय कलेक्शन का वीडियो लेके आया हूं। गाइस, आप देख सकते हैं आज फिर मेरे सामने यहां पर रखे हैं बहुत सारे यूनिक टाइप के बहुत ही सारे मजेदार टॉय। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे एक डाई कास्ट मेटल कार का सेट है, यहां पे एक छोटा भीम वाली वॉच है, यहां पे डॉम्स का ज्योमेट्री बॉक्स है और यहां पे एक और ज्योमेट्री बॉक्स है। यहां पे आप देख सकते हैं वेनम है, यहां पर एक बहुत ही प्यारी 2-in-1 गन है, यहां पर एक डांसिंग रोबोट है और बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इतने सारे टॉयज में से अगर आपको एक भी टॉय चाहिए उसका नाम मुझे कमेंट बताना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल छोटी सी चीज है ना, बहुत ही छोटा सा बॉक्स है, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। बट गाइस, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं, तब आप देखना गाइस। ये देखो मैंने इसको निकाल लिया बॉक्स से बाहर और ये छोटा सा कार्टून कैरेक्टर सा कुछ दिखाई दे रहा है। ये इसका बॉक्स, बॉक्स को साइड में रख देते हैं और गाइस आप देख सकते हैं इसका डिजाइन कितना अमेजिंग है। बट गाइस, मैं आपको बता दूं ये 2-in-1 चीज है, ये है शार्पनर और इरेजर का कॉम्बो। देखो यहां से पेंसिल डालेंगे तो पेंसिल को शार्प कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर शार्पनर लगा हुआ है और जो इसकी ओवरऑल बॉडी है ये इरेजर है। कुछ इस तरह से आप पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं। डिजाइन आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा है ना। 20 rupees इसका प्राइस है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पास है यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा डाई कास्ट मेटल कार का सेट, जो कि कंस्ट्रक्शन वाली कार होती, मतलब गाड़ियां होती हैं जो है ना। ये देखो ट्रक है, क्रेन है और सीमेंट मिक्सर ट्रक है, जेसीबी है, रोड रोलर है ना। और गाइस इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस है 450 rupees, 450 rupees मैंने इसको खरीदा है और ये मेटल क्वालिटी में आता है। इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, तो जल्दी से मैं इसको निकाल लेता हूं बाहर है ना। अब मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा कि हमारे पास एक्चुअल में क्या है। ये देखो हमारे पास है कुछ इस तरह से मिट्टी उठाने वाली क्रेन। ये देखो वाओ, इसकी क्वालिटी देखो, बिल्कुल रियल क्रेन जैसी दिख रही है क्योंकि कलर भी इसका येलो है ना, बहुत ही अमेजिंग है। और गाइस ये फुल मेटल क्वालिटी में आती है, मैं आपको चेक कराता हूं। ये देखो है ना, मेटल क्वालिटी में आते हैं, यानी ये खराब नहीं होगी। पानी में डालोगे, मिट्टी में चलाओगे और बाद में धो लोगे तो कुछ भी नहीं होगा इसको, इसकी क्वालिटी बहुत औसम है ना। दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हमारे पास है यहाँ पर 6 tire वाला सीमेंट मिक्सर ट्रक और कितना ज्यादा औसम लग रहा है आप देख ही सकते हैं है ना। डिजाइन आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं, वाओ क्या सुपर है गाइस। इसके सारे बॉडी पार्ट काम करते हैं, देखो सारे 6 के 6 tire घूम रहे हैं और ये देखो मिक्स करने वाला भी घूम रहा है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसके साथ साथ हमारे पास है यहाँ पर ये देखो डंप ट्रक, ये देखो कूड़ा और मिट्टी उठाने वाला ट्रक, ये डंप ट्रक उसको कहते हैं जो कुछ इस तरह से ऊपर नीचे हो जाता है गाइस। ये देखो है ना, इसके भी 6 tire लगे हैं। डिजाइन आप देख सकते हैं कितना सुपर डिजाइन है, बिल्कुल रियल ट्रक जैसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमारे पास है जेसीबी क्रेन, ये देखो है ना वाओ, और इसका भी आप देख सकते हैं पूरे बॉडी पार्ट अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। ये देखो ये घूम भी जाती है ऐसे करके, ये देखो है ना कितनी अमेजिंग क्वालिटी आप देख सकते हैं, डिजाइन आप देख सकते हैं मेटल क्वालिटी में। और लास्ट में हमारे पास है यहाँ पे रोड रोलर, जो कि सड़क बनाने के काम आता है कुछ इस तरह से है ना, तो काफी इंटरेस्टिंग है गाइज। आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल 2 tire लगे हैं और आगे एक बड़ा रोलर लगा हुआ है। तो गाइज आप देख सकते हैं 450 rupees में हमें ये 5 cars देखने को मिलती है, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिजाइन बहुत अच्छा है ना। और गाइज ये कभी खराब नहीं होती है, इनकी सबसे स्पेशल बात यही होती है। इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा एक कैरेक्टर, जो कि स्पाइडर मैन मूवी का कैरेक्टर है, जिसका नाम है वेनम है ना। आप देख सकते हैं इसके ऊपर प्रॉपर 2-3 मूवी बनाई जा चुकी हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एवेंजर्स हीरो सीरीज लिखा हुआ है। इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस है 180 rupees और 3+ age वाले बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर लाइट भी जलती है, तो जल्दी से मैं इसको निकालता हूँ बाहर। ये देखो 180 rupees इसका प्राइस है। और गाइज इसका साइज देखो, वाओ क्या साइज है इसका, देखो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ना। और तो और इसके देखो पूरे 360 degree हाथ घूमते हैं और पैर भी मूव होते हैं, देखो ये देखो पैर भी मूव होते हैं, इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और गाइस इसका इस कैरेक्टर का नाम है वेनम, उसकी गर्दन भी घूमती है आप देख सकते हैं। इसके पीछे यहाँ पे बटन है और एक लाइट लगी है, देखो जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ तो इसके अंदर लाइट जलती है गाइस। ये देखो है ना, इसकी क्वालिटी देखो गाइस, मजा आ गया। अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी है या वेनम मूवी देखी है तो कमेंट में जरूर बताना। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इतने सारे टॉयज में से अगर आपको एक भी टॉय चाहिए उसका नाम मुझे कमेंट में बताते रहना गाइस, सबका अब कुछ ना कुछ फेवरेट होता ही है। सो गाइस ये देखो एक हमारे पास है यहाँ पर स्पाइडरमैन वाला कुछ इस तरह का बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स, इसका प्राइस है 450 rupees। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइडरमैन का पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम एंड क्लास लिखा हुआ है और ओवरऑल आप इसका डिजाइन देख सकते हैं कितना ज्यादा सुपर है। यहां से इसको ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो इसके अंदर स्पेस है कितना ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा स्पेस है। यहाँ पे अपनी नेम एंड क्लास लिख सकते हैं। और गाइज दूसरी साइड से बहुत ज्यादा सुपर चीज है, देखो सबसे पहले यहाँ पे लगा कैलकुलेटर, मैं बटन दबाता हूँ ऑन का, तो गाइज ये देखो ऑन हो गया है ना, 0 आ गया। मैं आपको यूज कर दिखाता हूँ, 6 × 2 और ये देखो गाइज 12 यहाँ पे आ गया है ना, अच्छे से कैलकुलेटर वर्क करता है। 5 × 9 45 आना चाहिए गाइज, ये देखो 45 आ गया। और गाइज मैं दोबारा बटन दबा दिया, कोई बात नहीं दोबारा कर देता हूँ, 5 × 9
इज इक्वल, ये देखो 45, यानी कि इसका कैलकुलेटर अच्छे तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे स्पाइडरमैन का पैटर्न बना हुआ है, 1 2 3 4 बटन यहाँ पे, चारों को दबाते हैं। एक में शार्पनर निकला है, दूसरे में एक ट्रे निकली है, इसके अंदर आप पैसे या इरेजर रख सकते हैं, तीसरे में भी एक ट्रे है, चौथे में भी एक ट्रे है, यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे पेन पेंसिल कलर लगा सकते हैं जो कि आपके इधर उधर भागेंगे नहीं, यहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। यहाँ पे एक सीक्रेट स्पेस भी है, ये देखो यहाँ पे एक सीक्रेट स्पेस भी है, और यहाँ पे एक बड़ी ट्रे भी इसके अंदर ओपन होती है। एक ज्योमेट्री बॉक्स में इतने सारे मल्टी फंक्शन, मैं आपको बताता हूँ कितने हैं। देखो एक तो ये हो गया, दो, ये सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में गाइस इधर देखो 10, टोटल 10 स्पेस है एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, है ना, कितनी अमेजिंग बात। सो गाइस आप देख सकते हैं 450 रुपीज इसका प्राइस है, इसको मैं यहां पे रख लेता हूं। और इसके बाद गाइस हमारे पास यहाँ पर डॉम्स कंपनी का एक बहुत ही फेमस ज्योमेट्री बॉक्स, अगर आप स्टूडेंट है तो ये ज्योमेट्री बॉक्स आपने 100% देखा होगा, है ना। सो गाइस आप देख सकते हैं इसका प्राइस, मैं आपको बता दूं इसका प्राइस है 125 रुपीज, 125 रुपए इसका प्राइस है। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ ये एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है। ये देखो यहां से मैंने इसको निकाल लिया है बाहर, और गाइस ज्योमेट्री बॉक्स में हम एक ABCD वाला स्केल भी देखने को मिलता है, इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट में बताना। सो गाइस ये देखो कुछ इस तरह का स्केल देखने को मिलता है इसके अंदर, ABCD कैपिटल में, स्मॉल में, और 1 2 3 भी लिखा हुआ है। तो इसको मैं यहां पे रख लेता हूं, और जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। डॉम्स कंपनी का बेस्ट इन क्लास ज्योमेट्री बॉक्स, यहाँ पे X1 प्रीमियम भी लिखा हुआ है ना। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करता हूँ गाइज, ये देखो वाओ, इसके अंदर जितना भी सामान है बहुत अच्छी क्वालिटी का है। देखो डी है, ट्रायंगल वगैरह है, ये देखो कंपास वगैरह है, शार्पनर है, इरेजर है, सब कुछ है गाइस इसके अंदर। और इस ट्रे को उठा के आप इसके नीचे भी सामान रख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ से मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको पता हो अगर आप स्टूडेंट है तो। जल्दी से मैं इसको दोबारा से प्रॉपर बंद कर देता हूँ, है ना। 120 रुपीज प्राइस है इसका, 125 रुपीज। अगर आपने इस तरह का ज्योमेट्री बॉक्स यूज किया तो कमेंट में बताना, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ एक स्पेशल चीज जो कि है गाइस कुछ इस तरह का, यूनिकॉर्न पूप सुपर कूल पूपी स्लाइम, यानी कि यूनिकॉर्न की पॉटी, बट गाइस एक्चुअल में ये स्लाइम है जो कि इस तरह के बॉक्स के अंदर आती है। 100 रुपीज इसका प्राइस है। अगर आपको स्लाइम के साथ खेलना पसंद है तो ये चीज आपको 100% पसंद आएगी। सो गाइस ये देखो इसको मैंने निकाल लिया है, खोल लिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइम इसके अंदर कैसी है। देखो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म वाली स्लाइम है गाइस, ये देखो, है ना, ये देखो वाओ। अगर आपको स्लाइम के साथ खेलना पसंद है तो ये चीज आपको 100% पसंद आनी चाहिए। देखो मैंने कितनी सारी स्लाइम बाहर निकाल ली है, और सबसे अमेजिंग बात है आपके हाथ पे, आपके कपड़ों पे नहीं चिपकेगी। ये देखो मेरे हाथ पे है, मैंने हटाया तो देखो मेरे हाथ पे बिल्कुल नहीं चिपकी है, और इसी वजह से इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो गाइस मैं वापस इसको बोतल के अंदर डाल लेता हूँ, ये देखो वापस मैंने इसको बोतल के अंदर डाल लिया है। 100 रुपीज इस बोतल का प्राइस है। मुझे स्लाइम के साथ खेलना पसंद है इसलिए मैं आपके लिए स्लाइम लाता रहता हूँ गाइस। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास है यहाँ पर, ये देखो एक प्यारा सा कीड़ा जो कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये कीड़ा एक्चुअल में एक शार्पनर है। 10 रुपीज इसका प्राइस है, है ना। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कितना प्यारा लग रहा है, और गाइस सामने से भी आप देख सकते हैं वाओ। और ये शार्पनर कैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इसके अंदर यहाँ पे शार्पनर लगा हुआ है, 10 रुपए इसका प्राइस है। यहाँ से पेंसिल डाल के पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। और गाइस जब मैं आपको दिखाता हूँ सबका फेवरेट, ये देखो पिकाचू है ना, यह पिकाचू जो कि 10 रुपीज का एक इरेजर है, मतलब शार्पनर है, इरेजर बोल दिया मैंने गलती से। यहाँ से पेंसिल डाल के पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, और यहां से ओपन करते हैं तो गाइस देखो इसका शार्पनर हिल गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं दोबारा सेट कर लेते हैं। ये देखो शार्पनर मैंने इसके अंदर सेट कर दिया, और ये हमारा पिकाचू वाले डिजाइन वाला शार्पनर है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, डिजाइन आप देख सकते हैं, और अगर आप पोकेमोन के फैन है तो पिकाचू के फैन जरूर होंगे, है ना। और हमारे पास है यहाँ पर 2-in-1 चीज, 2-in-1 नहीं है गाइस, ये एक इरेजर है देखो, है ना। इसको इरेजर बनाने के लिए यहां से हमें एक ना स्लाइडर लगा हुआ है, इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो गाइस ये देखो इसके ऊपर से सींग निकल गया जो कि एक इरेजर की तरह वर्क करता है, और गाइस इससे आप पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं। और पूरा प्रॉपर इसका कैट वाला पैटर्न है, देखो फेस जो इसका ना कैट वाला है। 10 रुपीज इसका भी प्राइस है। और गाइस के बाद हमारे पास है ये देखो पेपा पिग वाला एक ट्रॉली, ट्रॉली का डिजाइन आप देख सकते हैं, ये देखो कुछ इस तरह से ट्रॉली बन जाती है, इसके नीचे टायर लगे हैं जो कि अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। और अगर हम इसको यहां से ओपन करें तो यहां लिखा पेपा पिग, ये देखो ओपन किया मैंने इसको। सो गाइस इसके अंदर है 2 2 इरेजर, मतलब टोटल 4 इरेजर है जिनको कलेक्ट करने पर ये पेपा पिग जैसी बन जाती है, देखो है ना, पेपा पिग आपको दिखाई दे रहा है। और ये पूरी प्रॉपर इरेजर है, ये देखो इससे आप पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं, ये देखो है ना, कितनी अमेजिंग चीज। तो ट्रॉली बैग के अंदर हमें एक इरेजर देखने को मिलती है, इसको मैं यहां पे रख लेता हूं। और गाइज हमारे पास है यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा एक डांसिंग रोबोट जिसका प्राइस है 450 रुपीज। देखो यहाँ पे इसके ऊपर एक फैन लगा हुआ है जो कि गोल गोल घूमता है, और गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है। हमें इसके अंदर बैटरी डालनी होती है, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, और ये घूम घूम के डांस करता है। सबसे पहले आप इसका साइज देखो, है ना, बहुत ही प्यारा साइज है। इसका प्राइस आपको 400 से 500 रुपए के बीच में आराम से मिल जाएगा। और मैं इसका बॉक्स आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा डांसिंग रोबोट इलेक्ट्रॉनिक, है ना, कुछ इस तरह से डांस करता है। इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन इसके दे रखे हैं, इसके अंदर लाइट और म्यूजिक जलती है,
और गाइस ओवरऑल बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो काफी बड़ा बॉक्स है। तो चलिए गाइस मैं आपको इसे डांस करा के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर बैटरी डालनी होगी, तो बैटरी डालता हूँ और देखते हैं गाइस ये फर्श पे कैसे डांस करता है। सो गाइस आप देख सकते हैं डांसिंग रोबोट मेरे हाथ में है ना, तो मैं इसका बटन ऑन करता हूँ, बैटरी मैंने इसके अंदर डाल दी। और गाइस ये देखो वाओ कितने अमेजिंग तरीके से वर्क करता है और किस तरह से घूमता है आप देख सकते हैं। और हमारे पास है ये देखो छोटा भीम वाली एक प्रोजेक्टर वॉच जिसका प्राइस है 150 रुपीज। गाइस यहाँ पे छोटा भीम कैरेक्टर बना हुआ है, देखो छोटा भीम लिखा भी हुआ और छोटा भीम के जितने भी कैरेक्टर होते हैं सब यहाँ पर प्रिंट हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। ये प्रोजेक्टर वॉच है देखो, ये ऐसे वर्क करती है, यहाँ पे इसके बटन होते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्टर होता है, ये वाला बटन दबाएंगे तो गाइस इसकी रोशनी से ना आप अंधेरे में दीवार पर अलग अलग कैरेक्टर देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन से कैरेक्टर, देखो यहाँ पे आपको 24 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये 24 कैरेक्टर आपको दीवार पर दिखाई देंगे। सो गाइस पहले हमें इसका स्ट्रैप निकालना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे इसके पीछे स्ट्रैप लगा होता है, ये स्ट्रैप को हटाएंगे तो इसकी बैटरी ऑन हो जाएगी। और गाइस इसका स्ट्रैप दोबारा से लगा देंगे हम, ये देखो। अब मैं आपको इसको अपने हाथ में पहन के दिखाता हूँ, सबसे पहले हम इसको करेंगे सेट। ये देखो हाथ में पहनने पर गाइस ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, आई थिंक इसकी बैटरी डाउन है, देखो यहाँ पे ना इसके अंदर से टाइम नहीं दिखाई दे रहा, आई थिंक इसकी बैटरी डाउन है। और गाइस इसका प्रोजेक्टर तो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ये देखो है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो टाइम तो हम इसके अंदर देख नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर में बैटरी डालनी पड़ेगी, आई थिंक इसकी बैटरी डाउन हो गई है बिल्कुल। बट जो इसका प्रोजेक्टर वाला बटन है, जब हम प्रोजेक्टर बटन दबाते हैं तो गाइस ये देखो कुछ इस तरह से मेरे हाथ पे कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, टोटल 24 कैरेक्टर इसके अंदर से बाहर निकलते हैं। चलो गाइस मैं आपको अंधेरे में दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। सो गाइस छोटा भीम वाली प्रोजेक्टर वॉच मेरे हाथ में, मैं इसका बटन दबाता हूँ। सो गाइस ये देखो बटन दबाते ही दीवार पे आपको कैरेक्टर दिखाई देने लग गया और कुछ इस तरह की अंधेरे में दिखाई देती है और यहाँ से रोशनी बाहर आती है, देखो है ना। टोटल 24 कैरेक्टर है, मैं जितनी बार बटन दबाऊंगा उतनी बार अलग कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे। और गाइस थोड़ा सा ना फोकस नहीं हो पा रहा, थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, बट गाइस आप देख सकते हैं हर बार एक अलग कैरेक्टर आपको दीवार पर दिखाई देगा और इसी वजह से ये वॉच फेमस है ना। अंधेरे में आप इसके अंदर टाइम देख सकते हैं जब लाइट जल जाती है और उसकी रोशनी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसके अंदर रोशनी है ना। तो काफ़ी प्यारी वॉच है और दीवार से जब आप इसको दूर ले जाते हैं तो कैरेक्टर बड़ा हो जाता है और जब दीवार के पास ले जाते हैं कुछ इस तरह से तो कैरेक्टर छोटा हो जाता है। तो काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्टर वॉच है गाइस ये। और गाइस ये देखो हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा फिडजेट स्पिनर जिसका प्राइस है 100 रुपीज़, ये देखो है ना मेटल क्वालिटी में आता है, काफी ज्यादा भारी है ये और यहां पे आप देख सकते हैं इसके अंदर मेटल की गोलियां लगी हैं और ओवरऑल आप इसका डिजाइन देख सकते हैं कितना प्यारा इसका डिजाइन है, ये देखो है ना। और गाइस की सबसे अमेजिंग बात है आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है और अगर आप इसको फुल स्पीड में घुमाओगे तो 2 मिनट तक कंटिन्यू घूमते रहते और आप इसको कुछ इस तरह से घुमा सकते हैं, है ना। बहुत ही प्यारी चीज है, एक टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही थी बट आजकल इसका ट्रेंड थोड़ा कम हो गया, बट गाइस ये बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज है, इसे चलाने में मजा बहुत ज्यादा आता है और आपको ये 500 रुपए के मिल सकते हैं अलग अलग डिजाइन के हिसाब से स्पीड के हिसाब से। बट जो मेरे पास है 100 रुपीज का, डिजाइन आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, स्पीड भी बहुत ज्यादा अच्छी है। सो गाइस इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और हमारे पास है यहाँ पर एक वाटर गेम, ये देखो यूनिकॉर्न वाली वाटर गेम, यहाँ पे यूनिकॉर्न लिखा है, यूनिकॉर्न इसके अंदर बना हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ पे 1 पिन और 2 पिन, 2 पिन है और यहाँ पे 2 बटन है। जैसे हम बटन दबाते हैं तो देखो इसके अंदर काफी सारे सर्कल हैं जो कि इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं और गाइस बटन दबा दबा के ना हमें सारे सर्कल इन 2 पिन के अंदर डालने होते हैं। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिन है, इस पिन के अंदर मैंने 3 सर्कल डाल दिए हैं और इसी तरह से इस वाटर गेम को खेला जाता है ना। प्राइस है इसका 100 रुपीज़ और गाइस इसके अंदर कोई बैटरी नहीं डालनी, कुछ नहीं डालनी, बट आप इसको लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास है यहाँ पर एक डायनासोर, ये देखो प्यारा डायनासोर। और गाइस मैं आपको बता दूं ये डायनासोर जैसी दिखने वाली चीज एक्चुअल में एक शार्पनर है ना, इससे आप पेंसिल शार्प कर सकते हैं। देखो यहाँ से पेंसिल डालेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से घुमाएंगे तो पेंसिल शार्प हो जाएगी और यहाँ से कचरा बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक पेंसिल शार्प करके दिखाता हूँ, देखो मेरे पास एक पेंसिल है जो फिलहाल मैंने आगे से इसका मुंह तोड़ दिया है, कोई बात नहीं मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ और देखते हैं गाइस पेंसिल कैसे शार्प होती है। देखो मैंने अच्छे डाल दिया, अब इसको घुमाएंगे गाइस और जब पेंसिल शार्प हो जाती है तो हैंडल अपने आप स्मूथ हो जाता है, ये देखो हैंडल स्मूथ हो गया। अब देखते हैं गाइस पेंसिल शार्प हुई है या नहीं हुई है, ये देखो गाइस इसने पेंसिल को कितना स्मूथली शार्प कर दिया है ना, कितनी अमेजिंग चीज। और यहां से अगर हम इसको ओपन करेंगे तो गाइस देखो यहां से हम इसके अंदर से कचरा बाहर निकाल सकते हैं पीछे से। 150 रुपीज़ इसका प्राइस, देखो सारा कचरा यहाँ पे आ गया है ना, 150 रुपीज़ इसका प्राइस है, प्यारा सा डायनासोर वाला ये शार्पनर है। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो हमारे पास है कुछ इस तरह की बहुत बड़ी 2-in-1 गन है ना, इसके अंदर आप 2-2 चीजें चला सकते हैं, क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो हमारे पास यहाँ पे देखो इसका बॉक्स है, यहाँ पे लिखा है X-Shoot 2-in-1 गन, ये देखो यहाँ पे लिखा है X-Shoot 2-in-1 गन, इसके अंदर हम ऑर्बिस की गोलियां भी चला सकते हैं, सॉफ्ट बुलेट भी चला सकते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस ये देखो मैंने इसको निकाल लिया बाहर, इसके अंदर हमें 6 बुलेट देखने को मिलती है,
और गाइस देखो कुछ इस तरह की सॉफ्ट बुलेट हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमारे पास है ऑर्बिस की गोलियां, ये देखो है ना, जो कि पानी में डालने के बाद बड़ी होती हैं। ये रही ऑर्बिस की गोलियां, इनको पानी में डाल दो गाइस, ये इतने बड़े साइज की हो गई हैं। तो जल्दी से मैं आपको ऑर्बिस की गोलियां दिखा देता हूँ कैसे वर्क करती हैं। ये देखो ये ऑर्बिस की गोलियां मैंने निकाल ली हैं बाहर, है ना। और गाइस इन ऑर्बिस की गोलियों को हमें डालना है इस गन के ऊपर से, देखो यहां से डालना है, जिसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो मैंने इसको डाल लिया, यहां से हम इसको लॉक कर देंगे और कुछ इस तरह से हम इसको खींचेंगे तो गाइस ये देखो 3 2 1 को, ये देखो गाइस गोली निकल के बाहर भाग गई है। ये देखो कुछ इस तरह से इसकी गोलियों को चलाया जाता है। और सॉफ्ट बुलेट कैसे चलाते हैं वही मैं आपको बताया था। ये देखो ये है सॉफ्ट बुलेट जो कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाती है। यहां पे आपको सॉफ्ट बुलेट लगानी है और कुछ इस तरह से इसको खींचना है 3 2 1 को। ये देखो गाइस गोली वहां पे आके चिपक गई है ना। ये देखो गोली यहां पे आके चिपक गई है, मैं आपको दोबारा चला के दिखाता हूं। यहां से हमें गोली लगानी है, इसको खींचेंगे और 3 2 1 गो। और गाइस आप देख सकते हैं गोली दूर भाग गई है, ये गोली को मैंने लगाया, लोड किया, 3 2 1 गो, है ना, कितनी अमेजिंग चीज। सो गाइस आप देख सकते हैं 2-in-1 गन है, बहुत ही अमेजिंग है। और गाइस आपको मैंने इस वीडियो में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टॉयज दिखाए हैं, इतने सारे टॉयज में से अगर आपको एक भी टॉय पसंद आया उसका नाम मुझे कमेंट में बताना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो में लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं।